हेलो फ्रेंड्स, आज आम आरआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करवा मैथमेटिक्स क्वेश्चन डिस्कशन करवा जोटा आपंकर 100 मार्क क्वेश्चन आसूँ। तो फ्रेंड्स, या पूर्व आम तीन टा क्लास कर सारी 25 नंबर पर्यंत आम डिस्कशन कर सारी विथ शॉर्टकट ट्रिक। शॉर्टकट ट्रिक 25 नंबर पर्यंत आम डिस्कशन कर सारी। आज आम 26 नंबर स्टार्ट करवा और शॉर्टकट ट्रिक रे ही सब प्रश्नर समाधान करवा जोटी दरकार पड़ो। तो चलतु आज क्वेश्चन आम डिस्कशन करवा। 25 नंबर आम डिस्कशन करवा। तो 25 नंबर क्वेश्चन अच्छी देखु, द रेडियस ऑफ ए सिलिंडर इज द सेम एज दैट ऑफ स्फीयर, देयर वॉल्यूम आर इक्वल्स, द हाइट ऑफ द सिलिंडर इज हाउ मेनी टाइम इट्स रेडियस। तो ये कहा जाए सिलिंडर एवं स्फीयर रेडियस समान अच्छी, तो समान अच्छी। तापर दिया कौन से वॉल्यूम समान, तो ये किसी करार नहीं, सीधा आप वॉल्यूम फॉर्मूला पकईदे। सिलिंडर वॉल्यूम है के पाए आर स्क्वायर एच, एवं स्फीयर वॉल्यूम है के 4/3 पाए आर क्यूब। तो ये मागिजे जे हाइटा के गुण हम रेडियस रत गुण हम देखो, बोथ साइड पाए अच्छी, पाए पाए कैनसल होगा। तापर ये आर स्क्वायर अच्छी, ये आर क्यूब अच्छी, ये काटिदे एज इक्वल टू के एज इक्वल टू है 4/3 आर। एनसर बाहरी गला एज इक्वल टू 4/3 आर, ता अर्थ एज हो 4/3 टाइम्स। तो एनसर ये दिखाई देखु ए नंबर दिखाई 25 रोब करेक्ट एनसर। तापर 26 नंबर को जीवा, दि एसीएफ ऑफ टू नंबर इज 13, इफ वन नंबर इज 91, व्हाट इज दि अदर नंबर। मान दुईट संख्यार गसा को 13 दे, तो गसा को दिखाई 13, गसा गोटा 13, आ गोटे नंबर 91 दिखाई, तेल आर संख्याटा के। तो ये देख ऑप्शन 65 भी देसी आ 13 भी दे, तो दुईटा हो पार एनसर। 13 ने यार गसा को के 13 जो ना गसा को 13 हे, 65 ने गसा गोटा 13 हे। तो ये क्वेश्चन यहाँ आपण ग्रेस मार्क मिल आउसी दुईटा हे एनसर करेक्ट एनसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 27। तो ये किसी शॉर्टकट ट्रिक दरकार पड़े ना, तेणु मुझे शॉर्टकट ट्रिक किसी कहूना, जो जगह दरकार पड़े देखो 27 रे आम शॉर्टकट ट्रिक यूज कर पारा, 27 रे शॉर्टकट ट्रिक यूज कर पारा, तेणु मुझे शॉर्टकट ट्रिक कहबी। इफ द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो 4:25, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। जदि दुईटा स्फीयर रो सरफेस एरिया दिखाई, सरफेस एरिया रो रेशियो के दिखाई 4:25 दिखाई, तेल से मानकर वॉल्यूम केते हे। तो ये शॉर्टकट ट्री है, शॉर्टकट ट्री है आप कौन करेंगे 4 भाग 25 लिखिदेवे, तापर कौन करेंगे 4 वर्गमूल लिखिदेवे ये, आउ ये 25 वर्गमूल लिखिदेवे, आ मल्टीप्लाई करदे एनसर जिते हे 8/125, यहाँ हम 27 नंबर एनसर शॉर्टकट ट्री जो एमती करवा। आज जो ट्रेडिशनल मेथड करवा मुझे बताऊँ, इफ दि सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर, मन करो गोटे स्फीयर रेडियस को आम आर वन नहीं जा, आर गोटे को आर टू नहीं जा, तो सरफेस एरिया फॉर्मूला कौन 4/r² 4/r² डिवाइडेड बाय 4/r² इक्वल टू के हम 4/25 दिखाई, 4/25 लिखीद। तो ये कौन 4/4 कैनसल होगा, r² / r² इक्वल टू 4/25, तेल r1/r² के स्क्वायर जेहतु लेफ्ट साइड रे अच्छे, राइट साइड को गले वर्गमूल हो r1/r² हो 2/5, ठीक अच्छे। तो r1/r² हो 2/5, तो आमको कौन करार अच्छी से मानकर वॉल्यूम रेशियो बाहर करार अच्छे। तो 4/स्फीयर वॉल्यूम कौन 4/3 पाए आर क्यूब r1 क्यूब, आउ तले 4/3 पाए r2 क्यूब। तो 4/3 / 4/3 कैनसल हो गली, कौन हम यार क्यूब खाली आम बाहर करदे। तो यहाँ हो 8, यहाँ 125 r1³/r2³। तो यही हिसाब से, तो 28 क्वेश्चन देखा, 15 इयर्स बैक माय एज वाज 3 times द एज ऑफ माय सन, नाउ माय एज इज 2 times द एज ऑफ माय सन, व्हाट इज द टोटल एज ऑफ बोथ ऑफ अस। तो 15 वर्ष पूर्वे कौन होता मोर बयस मो पुओर बयसर केते गुण थिला 3 गुण थिला, एवं वर्तमान बयस मोर बयस मो पुओर बयसर 2 गुण, ताहेले आमर एज मिसिकी केते। तो
देखो ए पिला जे जो हिसाब रे करी छी एक्स आउ वाई की नेकी करी छी समस्ते हमें एमिति करी थाउ माने मोर वयस जदि एक्स मोर पुअर वयस वाई एमिति नेकी करी थाउ तो एठी हमें दुटा वेरिएबल नेबा दरकार नाही सेमिति नेले आपन को बहुत टाइम लागबो तो एठी गोटे वेरिएबल केवल नेबा केवल एक्स नेबा काहे कि एक्स नेबा देखो केते इजीली हेबो माई एज इज टू टाइम्स द एज ऑफ माई सन तो आम मोर पुअर वयस को एक्स नहीं आज पुओ को एक्स नहीं गले मोर वयस के दुई गुण जेहेतु टू एक्स हम कहीं एक्स वाई वाई कहीं जीवा तो 15 इयर्स बैक माई एज वाइज थ्री टाइम्स माई सन्स एज तो 15 वर्ष पूर्वे के 15 वर्ष पूर्वे के पुअर वयस एक्स माइनस 15 हो आ मोर बयस के टू एक्स माइनस 15 हो किंतु मोर बयसर तीन मानने पुअर बयस के मोर बयसर तीन गुण तार अर्थ आम यदि थ्री मल्टीप्लाय करदे ये दुई बयसटा सामान हो तो के थ्री इंटू एक्स माइनस 15 जोटा है थ्री एक्स माइनस 45 इक्वाल टू टू एक्स माइनस 15 कौन हे थ्री एक्स माइनस 45 इक्वाल टू टू एक्स माइनस 15 ताहले एबे कौन हे टू एक्सटा ए सैड को आसे माइनस हो गए टू थ्री एक्स माइनस टू एक्सटा के एक्स आ माइनस 45 ए सैड को गले प्लस 45 हो 45 रु 15 गला के 30 ताहले मोर बयस पुअर बयस के 30 आ बापार बयस के टू एक्स मान 60 आउ 30 मिसी के 90 तो तुम जब एक्स आउ वाई की कर बहुत टाइम लगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा पूर्व आपड़ जब ये चैनल सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ या पूर्व आम चारोटी वीडियो ऑलरेडी तैयारी कर सारीजे आर आई प्रीवियस ईयर एग्जाम को ओडियार मध्य कराई मैथ्र कराई आपड़ से लिंकटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देदे आप देखिपारे सहित रेगुलर क्लास आप 25 तारिख रु हम प्रतिदिन 4 सब्जेक्ट आम टॉपिक वाइज मैथमेटिक्स रिजनिंग इंग्लिश तार शॉर्टकट ट्रिक जानपारे नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा 29 नंबर इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर स्क्वायर साइज फील्ड इज 133.6336 स्क्वायर मीटर व्हाट इज इट्स पेरिमीटर देखो एरिया देसी माने कौन ए स्क्वायर देसी स्क्वायर एरिया ला ए स्क्वायर ताहले तुम कौन काढ़ पेरिमीटर माने 4 ही करिवो तो एटू प्रथम ए आमको काढ़ पड़ो तो यार वर्गमूल बाहर कर 133.6336 रो वर्गमूल बाहर करवाक पड़ो तो जेबी जेते वर्गमूल काढ़ देखो एटा राइट साइड रु गार देव राइट साइड रु दी दुईटा गार देव आ लेफ्ट साइड रु गार देव हला तो प्रथम वर्गमूल काढ़ कौन हे एक अच्छी एक जेहेतु अच्छी एक एक को एक हो जीरो होगा 33 आसला एक रो डबल के 2 तो ये के लिखा ये 33 हम ये 1 लिखा 2 21 लिखले मान ये 1 लिखा 21 33 रु 21 गला के 3 रु गला 2 3 रु 12 है तापर कौन हम डेसिमल पॉइंट डेसिमल पॉइंट जेहेतु अच्छे डेसिमल ये रही तापर 63 आसब 1263 आसब तापर 11 रो डबल लिख 22 कर 1263 आसला ए 11 रो डबल लिखले के 22 लिखिदे 22 रो ये 5 लिखा ये 5 लिखा 5 लिखले 225 गुण 5 1225 63 रु 5 गला पुणी 63 रु 25 काटिबो तो एमिति हिसाब रे करिले एटा हे 11.56 हे जइबो पेरिमीटर 11.56 जदि पेरिमीटर हैला ए सॉरी बाहु हैला ताहेले पेरिमीटर टा केते हेबो तार 4 गुण ए सेठा रे बाहर तो 4 गुण केते हेबो एटा 46. एटा हेबो 24 हेबो 46.24 देखो कन्फ्यूज कर देसी 46.42 सेटा देसी तो तुम्हारे करेक्ट आंसर हो कौन सी हे करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जीवा 30 नंबर फाइंड द एलसीएम ऑफ मैंने लसा को बाहर कर कहार ए स्क्वायर प्लस ए बी देसी तो कमन सीधा नहीं जाओ ए इंटू एटा है ए प्लस बी तापर ए बी माइनस बी स्क्वायर जेहेतु देसी बी इंटू ए माइनस बी एलसीएम टा कौन हुए एलसीएम रे सबु निया जाए जोटा बेसी थर अच्छी सेटा निया जाए एवं जोटा उभयरे नाही सेटा मध्य निया जाए तो देखो ए एटी अच्छी एटी बी अच्छी
एटी ए अच्छी एटी ए ना ए तथा ए नवा एटी बी अच्छी फास्ट रे बी ना तथा बी को नहीं जावा ए प्लस बी थे अच्छे ए प्लस बी थे आसला ए माइनस बी थे अच्छे ए माइनस बी थे आसला तो कौटा हे करेक्ट आंसर डी। तापर नेक्स्ट देखिबा 31 व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 6375 टू मेक दिस सम ए कंप्लीट स्क्वायर नंबर। तो तुम प्रथम कौन कर मैंने 6375 रे केते एड करले गोटे कंप्लीट स्क्वायर हे यार स्क्वायर रूट बाहर करदेव। तो 6375 रे स्क्वायर रूट बाहर करले केते हे पाखापाखि गोटे संख्याटे बाहर 63 जेहेतु देसी एठी 8 जीव ए सॉरी 7 जीव 7 इंटू 7 केते 49 49 जेहेतु आसला 63 रु 49 गले 1475 तो 7 रो डबल एठी 14 हला 14 जदि हेबो एठी 9 जीव 9 गले एटा केते हेबो 1341 हेबो 9 गले 1341 एटा माइनस कर देले माइनस कर देले तो एटा होची कोन 79 134 रही जीव भागशेष रे 134 रही जाउची। तो 79 जेहेतु होउची तारो नेक्स्ट वर्ग संख्या कोन पूर्ण वर्ग संख्या 80 80 रो स्क्वायर केते 6400 जेहेतु एटा 79 एयारो स्क्वायर रूटटा 79 नो हे कहीं 79 है कि 134 भाग शेष रोच। तो 6375 रे आम केड करवा 25 एड कले तार कौन हम 6400 हो। तो यहाँ है मैं ट्रेडिशनल मेथड। तो शॉर्टकट ट्रिक जो देख 6375 अच्छे तो 6375 रो नेक्स्ट पूर्ण वर्ग संख्या कौटा 6400 मैं नेक्स्ट आम जाने 80 रो स्क्वायर 6400 बोली जाने तो से कौन कर 75 जस्ट 25 एड करदे 25 एड कले 6400 हो लेंथी प्रोसेस रे आम करवा ना। तो ठीक अच्छे नेक्स्ट नेक्स्ट सेसन में पुणी आम 32 रु करवा 32 क्वेश्चन रु डिस्कसन करवा या पूर्व आप सब भिड देखु जोटा आपण कामें निहाती भाव आसो जो भल लगे सेयार करूँ लाइक करूँ कमेंट करूँ।